किसी ने एम्बुलेंस को, किसी ने पीसीआर, किसी को फोन नहीं किया। मेरा भाई पता नहीं कितनी देर से वह गिरा पड़ा तड़प रहा, लेकिन किसी ने मेरे भाई की हेल्प नहीं की। और देखो वो बेचारा बेकसूरी था, यहाँ पे चक्कू डाल के ऐसे घुमा दिया, उसने कुछ नहीं किया, वो बोलता भी नहीं था, बहुत सीधा लड़का था, उसके साथ बहुत अन्याय। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। मानवता को शमसार कर देने वाली एक वारदात राजधानी दिल्ली के तिलक नगर से सामने आ रही है। आपको बता दें, यहां पर एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम सागर बताया जा रहा है, उसकी चार लोग जो निहंग सरदार बताए जा रहे हैं, उन्होंने चाकुओं से, सुए से और पत्थरों से मारकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी और भीड़ वहाँ पर मूक दर्शक बनकर देखती रही, भीड़ वीडियो बनाती रही, परंतु किसी ने भी सागर को बचाने की कोशिश नहीं की, ना ही कोई पुलिस वाला वहाँ पर मौके से गुजर रहा था। अगर बीट पेट्रोलिंग सही समय पर हो रही होती तो हो सकता है सागर की जान बच सकती थी। उसकी बीच सड़क पर बुरी तरीके से तब हत्या कर दी जाती है जब वो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए निकला हुआ था, डिलीवरी पर निकला हुआ था। और बताया ये जा रहा है कि इसकी जानकारी उस कस्टमर द्वारा दी गई थी दिल्ली पुलिस को, जिसके ऑर्डर को लेकर सागर इस वक्त जा रहा था। और ऐसे में परिवार बहुत ज़्यादा गमगीन है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। तो चलिए सीधा परिवार के लोगों के पास चलते हैं और पूछते हैं क्या कुछ कारण रहा था हत्या के पीछे, क्या चीजें बताई जा रही हैं और अब परिवार की आगे की क्या मांगे हैं। इस वक्त मृतक के कुछ परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? वरुण। आपको इस हादसे के बारे में कैसे पता चला था? मेरे पास परसों रात को फोन आया कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है। उसके बाद 15-20 मिनट तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, कि इतना मतलब किसी से कोई बैर नहीं, कुछ नहीं, बंदे के अंदर कोई वो नहीं, कोई बात करने मतलब किसी से फालतू बातचीत नहीं करते थे, मतलब की बात करनी, उनके साथ ऐसा हो गया तो ये तो बहुत बड़ी। तो हादसे के वक्त भी वो ड्यूटी पर ही थे? हादसे के वक्त ड्यूटी पे थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी के टाइम पे ऐसा हुआ है सर। किस कंपनी में जॉब करते थे? जोमेटो में काम करता है, बंदा कमाने जाता है, खाने जाता है, कुछ मतलब अपने परिवार के लिए। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि अपने परिवार के लिए वो कमा नहीं सकता, ये टाइम। क्या जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हुई है? उसमें से बता रहे हैं कि पुलिस वालों से बात हुई है तो एक बंदे को पकड़ा है उन्होंने अभी। वैसे चार बंदे बता रहे हैं कि थे जिनसे डिस्प्यूट हुआ था। सर, डिस्प्यूट को लेकर एक बात कही जा रही है कि सिगरेट पीने को लेकर विवाद हुआ था, तो क्या आपका ये मानना है कि इतने से विवाद पर इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया जा सकता है या कोई और भी वजह होगी? सर, सिगरेट तो बहाना रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि सिगरेट बड़ी पीना दुनिया पीती है सर, कोई नहीं पीता तो मैं ये नहीं कहूँगा सिगरेट पीना की वजह से, वो तो एक बहाना है। जी जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर है। आप मृतक के क्या लगते हैं? पड़ोसी है, नेवर है, हमारे बगल में रहते थे। ये हादसे का कैसे पता चला था आपको? हादसे का भैया एक्चुअली में मेरे को मॉर्निंग में पता चला, थोड़ी मतलब लोगों से आइडिया लगा, फिर यहाँ पड़ोस में बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। मेरे को तो कल ही न्यूज़ से पता चला कि वो भैया का नाम सागर था, 2 साल से रह रहे थे, हमें तो उनका आज तक नाम तक नहीं पता था, इवन वो यहाँ कभी किसी से मिलते ही नहीं थे। अपना सुनने कल ही पता चला कि वो जोमेटो में काम करते थे, कल पता लगा ये, वो भी न्यूज़ देख के कि वो जोमेटो में काम करते थे और नाम सागर था। इतने शांत स्वभाव के व्यक्ति की जो काम पे ध्यान देते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। एक रेड कलर की बाइक देखी थी, वो रात को गायब होती थी, सुबह आके खड़ी होती थी, कभी दिन में उनको नीचे नहीं देखा कि कभी किसी से खड़े हो गए 2 मिनट हेलो आए भी किए। मेरी तो उनकी फर्स्ट बात उनसे हुई थी जिस दिन दिल्ली के अंदर आंधी आई थी, वो भी रात को मैं बाहर निकला था तो भैया भीगते हुए, मैं कहा भैया आज तो मजे ले रहे हो, कह रहे यार बाहर मत जाना, पेड़ वेड़ गिरे पड़े हैं, बहुत बुरा हाल है, मैं भी वापस आ गया। जी मैम, नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल है। आप मृतक के क्या लगते हैं? इनके लेबर ही हैं, पीछे वाली गली में रहती हूँ मैं, 12 नंबर गली में, ये मेरी मम्मा है। जैसे सर ने बताया कि आपकी फैमिली से भी लोग नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल है कि ऐसी वारदातें सरेआम हो रही हैं। बिल्कुल है, क्योंकि मेरा बेटा दिन में भी जाता है, एक छोटा वाला नाइट में आता है 10-11 बजे, वो डॉक्टरी लाइन में MR है, बड़ा वाला होटल लाइन में करता है, रात को आता है। तो अभी देखो 11:30-11 बजे बच्चा सेफ नहीं है, तो हमारा बच्चा निकलता है रात को इसी टाइम आता है, तो बिल्कुल सेफ्टी नहीं है दिल्ली में। अगर कुछ चीज़ों से लग रहा है कि सिगरेट में प्रॉब्लम है या फिर लोगों को ड्रिंक में प्रॉब्लम है,
या तो ये चीजें बंद करें। लेकिन देखो दिल्ली का आम आदमी अपना घर चलाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। इवन मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मुझे भी डर लगा रहता है मेरा बच्चा जा रहा है, कब आएगा कब नहीं आएगा, घर भी आएगा नहीं आएगा। बट ये चीजें गलत है ना, कितना लेडीज के लिए कितना मुश्किल है आगे स्ट्रगल करना। क्योंकि आज के टाइम पे ठीक है लेडीज के लिए नौकरी है, बट ये देखो ना लेडीज कमाए घर चलाए बच्चे, देखो उसने कितनी मुश्किल से एक माँ ने बच्चा बड़ा किया पैदा किया, आज उसका बच्चा खुद का ही 3-4 साल का है, कितना मुश्किल है। वो लड़की जो जॉब नहीं कर सकती वो कैसे पालेगी अपना बच्चा। जी सर क्या नाम है आपका? राम जी प्रवीण कुमार गुप्ता है जी। मृतक की क्या लगता है आप? ये हमारे सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। जानते थे आप उन्हें? हाँ जी। कैसा स्वभाव था, क्या मिलनसार व्यक्ति थे? नहीं, क्या कभी भी हमारे से कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अच्छे बंदे थे, कभी लड़ाई नहीं, कभी झगड़ा नहीं। इतने मामूली से विवाद पर उनका हत्या कर दी गई, ये बहुत गलत चीज़ है जी। ये हम दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं और केंद्र सरकार से, मोदी सरकार जो है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये क्राइम खत्म किया जाए। हम गरीब आदमी कैसे रहेंगे? डर का माहौल है इस चीज़ को लेकर, क्षेत्र में आते हैं जी, डर है। अब ऐसा है कि केंद्र सरकार भी कुछ करे, मोदी सरकार जो हमारी और दिल्ली सरकार भी, ये दारू की वजह से लोग गलत अपराध ज़्यादा बढ़ गए हैं और दिल्ली में ये काबू किया जाए। हमारी रिक्वेस्ट है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से। जय हिंद। परिवार के कुछ और लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। आप मृतक की क्या लगती है? मैं उसकी सिस्टर हूँ बड़ी। तो इस हादसे की जानकारी कैसे मिली थी आपको? जी हमें कॉल आई थी सुबह के वक्त कि ऐसे से सागर का मर्डर हो गया, तो हम लोग जब भी फौरन आ गए थे। अच्छा मैम एक बात कही जा रही है कि सिगरेट पीने को लेकर जो विवाद हुआ था उस चलते लगता है इतनी मामूली सी बात पे हो सकता है कुछ और हुआ। बिल्कुल, यहाँ हमें हर किसी की अलग अलग स्टेटमेंट मिलने को मिल रही थी। कोई कह रहा था कि खाने का ऑर्डर देने गया उनसे उसकी झड़प हो गई, कोई कह रहा सिगरेट को लेके हो गई, कोई कह रहा कि बाइक को लेके हो गई। लेकिन हमें जहाँ तक अभी तक जो खबर मिली है, 4 निहंग थे, निहंग सरदार जो ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं। मेरा भाई रात को जैसे बाहर है घर में नहीं, कभी कभी स्मोक कर लेता था, तो सिगरेट की सुनने में आ रहा है कि वो सिगरेट पी रहा था। सिगरेट के धुएं की वजह से उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा लिया, उसी बात पे कहा सुनी हो गई, तो उन्होंने कृपा ने वो हाथ में जो कड़ा पहनते और सुए से मेरे भाई को। अच्छा निहंग सरदारों ने, निहंग सरदारों ने चार थे उसको, मतलब कोई हेल्प लेने के लिए कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया। पब्लिक चलती सड़क है सर यहाँ पे, इतना पॉश एरिया, लाइटिंग हर एक दुकान पे कैमरे लगे हुए, सीसीटीवी कैमरे, सब लोगों ने वीडियोस बनाई, लेकिन मेरे भाई की हेल्प करने कोई नहीं आया। एटलीस्ट जो मेट्रो में, एक्चुअली में क्या है कि गले में उन्होंने कृपान मारी है, उनके पास बर्फ खोलने वाले सुए कहाँ से आ गए? सुए मारे, उसके सिर पे मारे, ईंटें मारी है उसके, इतनी जल्दी जख्म उसके शरीर में डाले हैं ना कि किसी ने हेल्प नहीं की। सब यहाँ सीसी कैमरे सारे लगे हुए हैं, सारे सीसी कैमरे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, चार चार बंदे उसको मार रहे हैं, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। कैमरों में भी जब किसी ने कोई हेल्प कर देता वो बच जाता ऑन द स्पॉट। जो जोमेटो में जिसमें वो काम करता था उसके नीचे ऑन द स्पॉट ये सीन हुए हैं। जो ओनर था उसने सीसीटीवी कैमरास अपना बंद करके वायर काट दी और बंद करके चला गया, वो भी हेल्प के लिए नहीं आया। अच्छा किसी ने एम्बुलेंस को, किसी ने पीसीआर, किसी को फोन नहीं किया। मेरा भाई पता नहीं कितनी देर से वह गिरा पड़ा तड़प रहा, लेकिन किसी ने मेरे भाई की हेल्प नहीं की। अगर समय पर कॉल कर दी जाती तो हो सकता है जान बच सकती। भाई बच जाता, अभी उसकी उम्र नहीं क्या थी, 28 साल का मेरा भाई था वो, इतनी एक छोटी सी बात के लिए। हमें अभी तक कहानी समझ नहीं आई, कोई कहता स्मोक कर रहा था, कोई कहता बाइक की वजह से। हम लोग तो फोन किए हमारे को, हम कल यहाँ पर आए हैं, वो रहता यही था। तो जो मेरी भाई उसकी वाइफ थी वो सेकंड, मेरे भाई तो बेटा तो कब आ रहा था, उनकी सेकंड मैरिज थी, जो बाद में उनकी सेकंड मैरिज थी, तो वो इनके इधर ही रह रहा था, वो यहीं पे रह रहा था, यहीं जॉब कर रहा है, दिन रात नौकरी करके वो कमाता, अकेला ही घर का कमाने वाला। हमें तो फोन किया तो बेटा हम यहाँ पर आए हैं,
ना, वो अकेले कमाते हैं, अब हत्या हो गई उनकी, तो ऐसे में परिवार के लिए एक कमाई जुटाना भी एक बड़ी समस्या बनेगी। वो भी चला गया, वो चल कमाने वाला चला गया, वो तो वापस भी नहीं आ सकता। ये तो हमारे लिए जिंदगी भर का रोना हो गया। हम अपना जवान भाई एक छोटी सी गलती के पीछे अभी तक गलती थी भी नहीं, अगर सिगरेट पी भी गलती भी नहीं थी, सही बात है। दुनिया पीती है, वो खुद इतने नशे में थे, वो लोग निहंग जो थे ड्रग्स लेते हैं वो लोग और खुलेआम ही वार कर रहे हैं। उनके पास वो सुए खोपने काटने, सुए कहाँ से आ गए, सुए मारे हैं उसके, बताओ। मेरे भाई का मर्डर करने के बाद उसके वॉलेट से पैसे निकाल लिए, फोन नहीं उठाया उसका, पैसे निकाल के वॉलेट वहीं फेंक दिया, मतलब उसको लूटपाट का वो दे के और वो निकल चुके। अभी हमें कुछ नहीं पता, ना हमने अभी तक अपने भाई की डेड बॉडी देखी है, ना पुलिस स्टेशन में तिलक नगर थाना, मुझे मालूम नहीं है क्या क्या नहीं है। सीसीटीवी फुटेज मांगी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जी यहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज है नहीं, दो फोटो आए, दो फोटो में मिली है, कैमरे में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एसी भी साफ कह रहे हैं, सर आप जाते हुए देख सकते हैं, हर एक शॉप पे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और लोगों ने वीडियोस बनाई है, तो उनके पास कैसे नहीं आई। हम अपने अब हमारा भाई को जस्टिस चाहिए। हमारे को कल सिर्फ दो एसीपी सामने दो फोटो दिखाई, कहते हैं ये दो फोटो निहंगों की ये हैं बस, और कुछ नहीं मिला। जैसे मारते हुए हमें तो कुछ मामे, हमें तो खंगाले हैं कैमरे, हमें तो कुछ नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? कैमरे की तार काट रखी है ऊपर से। अच्छा हाँ, और देखो वो बेचारा बेकसूरी था, यहाँ पे चक्कू डाल के ऐसे घुमा दिया, उसने कुछ नहीं किया, वो बोलता भी नहीं था, बहुत सीधा लड़का था, उसके साथ बहुत अन्याय। हार्ट पे उन्होंने कृपाण चलाई है, हार्ट पे भी उन्होंने सुआ मारा है और गले पे भी और सर में भी। अच्छा, ये चीज कैसे पता चल पा रही है मैडम कि निहंग सीखते क्या, किसी सुनने में आया, फोटो देख के पता चला? फोटो उन्होंने एसीपी सामने फोटो दिखाई थी और उन्होंने निहंगों वाले कपड़े पहने, ब्लू कलर के जैसे पहनते है ना, कृपाण बड़ी पगड़ी बांधी, बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी, वो थे। एक तो बस सुनने में आज आया कि एक पकड़ा है, और कहते हैं चार पांच थे वो, बाकी सफर आ रहे हैं अभी तक, अभी तक कोई नहीं पकड़ा, एक ही पकड़ में आया बस, बाकी अभी तक कोई हमें। अगर जल्द पकड़े नहीं जाते तो कहीं ना कहीं क्या परिवार पर ये डर है कि जब उनकी जो पत्नी है घर पे अकेली होंगी तो हमला किया जा सकता है? बिल्कुल हमला किया जा सकता है, भाभी पे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, यहाँ वो अकेली हैं, भाई तो मेरा रानी, वो कुछ भी कर सकते हैं, खुलेआम जब क्रिमिनल क्राइम करते घूम रहे तो कुछ भी कर सकते हैं, धमकी भी दे सकते हैं, धमकी भी दे सकते हैं, एक्शन लिए कुछ लिया, हम कुछ नहीं चाहते, हम मुआवजा भी नहीं चाहते, हम अपने भाई का जस्टिस चाहते हैं। हमारा भाई तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हम चाहते हैं जिस तरह उन्होंने हमारे भाई को कत्ल किया, हम भी उनकी मौत वैसे ही चाहते हैं, ये उसका असली जस्टिस होगा। बट मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, अगर आप पब्लिक में ये रिपोर्ट जो भी न्यूज आप डालना चाहते हो तो प्लीज, जो मैं जस्टिस चाह रही हूँ मेरा साथ दो, मेरे भाई को ऐसे जस्टिस मिलना चाहिए। जो यहाँ के दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के, राकेश अस्थाना जी, वो हमारे को इंसाफ दिलाए, हमारे बेटे का जो हमारे भाई के साथ हुए, वो एक जो हम भी वही चाहते हैं कि उनके साथ हो। आज अगर उनको छोड़ दिया, आज मेरा भाई गया, कल किसी और का जाएगा, फिर और जाएगा, फिर और जाएगा, इतनी छोटी छोटी सी बात के लिए लोगों की जानें ली जा रही है और खुलेआम क्राइम किया जा रहा है। मैं हैरान हूँ, पॉश एरिया, चलती सड़क, लाइटिंग, तब भी किसी ने कोई हेल्प नहीं करी मेरे भाई की, लेकिन आज हम ऐसे ही हैं, किसी ने नहीं करी। अगर हमारे सामने ऐसा सीन होगा हम हेल्प करेंगे, हम करते भी आ रहे हैं, हमें दुख इस बात का है कि हम लोगों की हेल्प करते आए हैं, लेकिन आज हमारे घर पे परेशानी आई, मेरे भाई की किसी ने मदद नहीं करी, कोई उसको लेके नहीं गया, कोई नहीं लेके गया, एक आ जाता, दो आ जाते, तीन आ जाते, वो भाग जाते, मेरा भाई बच जाता, अगर मार गए थे उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाते, डेढ़ घंटा सड़क पे पड़ा रहे, वो छटपटाता रहे, पूरी सड़क, पूरी सड़क इतनी चलती फिरती, और गली नंबर 13 है, ये 10 है, वो गली नंबर 13 है, घर के पास हो गई है, किसी को कानों कान खबर ही नहीं, हमारे को सच्चाई अभी तक पता ही नहीं, और ना पता चल रही है कि क्या हुआ उसके साथ, क्या हुआ, मतलब जैसे आज वो गुजर चुका है, हमें दूसरे दिन कॉल गई है कि ऐसे ऐसे सागर इस दुनिया से चला गया, ऐसे कभी हो सकता है बताओ? कभी नहीं ऐसे हो सकता। और यहाँ पर सबके अलग अलग है, कोई कहता है खाना खा के गया था, कोई कहता है वो ऑर्डर लेने गया था, कोई कहता है वो सिगरेट पीने गया था, मतलब कि हम
अभी तक हम गुमराह हैं, हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ। इतनी भरी सड़क है चारों तरफ, सर कैमरे लगे हुए हैं, 1.5-2 किलोमीटर का फासला, इन्हें नहीं पता चला कि सागर के साथ क्या हुआ सड़क पर। 1.5 घंटे वो ऐसे पड़ा रहा, उसका ब्लड सारा निकल गया, तभी तो इस दुनिया से चला गया। तो आपने देखा कि दिल्ली में किस प्रकार से कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। बीच सड़क पर एक युवक की हत्या कर दी जाती है चाकू से गोदकर, ईंट पत्थर और बर्फ खोदने वाले सुए आइस पिक मारकर उसकी बुरी तरीके से हत्या कर दी जाती है। और चार निहंग सरदारों पर इसका आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने किसी मामूली से विवाद को लेकर, जो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सिगरेट पीने को लेकर एक विवाद हुआ जिसके चलते सागर की इतनी बुरी तरीके से हत्या कर दी। परंतु ये भी एक जांच का विषय है कि क्या वाकई में सिगरेट पीने जैसे मामूली सी चीज़ को लेकर क्या किसी व्यक्ति की हत्या की जा सकती है, या इसके पीछे कोई और बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। आपको बता दें कि फिलहाल तिलक नगर थाना पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और बाकी के आरोपियों के लिए फिलहाल धरपकड़ चालू है। अब ऐसे में परिवार का ये कहना है कि पुलिस की और जो लोग वहां पर मूक दर्शक बनकर देखे रहे उनकी बहुत बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। अगर सागर को वक्त रहते अस्पताल ले जाया जाता तो हो सकता है कि उनकी जान बच भी सकती थी। आपको बता दें कि कोई भी बीट वाला उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं था जब ये पूरी वारदात होती है। सागर वहाँ पर काफ़ी देर तक पड़ा हुआ तड़पता रहता है, परंतु फिर भी कोई भी बीट पुलिस ऑफिसर वहाँ से नहीं गुजरता। अगर कोई बीट पुलिस ऑफिसर वहाँ से गुजर रहा होता, पेट्रोलिंग सही समय पर की जा रही होती, तो हो सकता है कि सागर की जान वो व्यक्ति भी बचा सकता था। ऐसे में हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और #justiceforsagar जो नीचे लिखा हुआ इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस हैशटैग का आप उपयोग करें ताकि सागर के परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे सुराज मीडिया नेटवर्क।